The Lord. सुमसी के सीह नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविजन के ऊपर देख रहे हैं पास्टर विल्सन एजाज का बहुत बहुत सलाम और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहता हूँ और ख़ुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करता हूँ इस प्रोग्राम के लिए जिसके वसीला से आप खुदा उनके फ़जल और उसकी बरकत को अपनी ज़िंदियों के अंदर हासिल करते हैं और खुदा उनका नाम आपकी ज़िंदियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पा रहा है हम शुक्रगुज़ार हैं आपकी फीडबैक के लिए भी के इस अच्छे प्रोग्राम के लिए जिसके वसीला से आप बहुत कुछ अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर जो है वो सीख रहे हैं और ख़ुदा उनकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं मजबूत हो रहे हैं अपने मैटर्स को हैंडल करना सीख रहे हैं और हाँ यही हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के वसीला से आप उन बातों को सीखें और उन्हें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर अप्लाई करें ताकि आप मजबूत मसीही जो है वो बन सकें और खुदा उनका नाम आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो इज्जत और जलाल जो है वो पाए और जितने भी हमारे मेहमान आते हैं वो भी आपसे ऐसी ही बातों को शेयर करते हैं जिन्हें सुनकर आप जो है वो मजबूती को हासिल करते हैं आपका ईमान जो है वो बढ़ता है कलाम की समझ बूझ आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो आती है और हमारे मेहमान अपनी ज़िंदगी में से उन बातों को उन बरकतों को जो है वो आपके साथ बांटते हैं जो खुदांद ने उनकी ज़िंदगी के ऊपर जो है वो की हैं क्योंकि जब हम खुदावन के साथ वफादार होते हैं तो यकीनन वो हमारी जिंदगियों के अंदर अपने फ़ज़ल और बरकत और सरफराजी को जो है वो जाहिर करता है इसलिए नाजन हमेशा खुदा के साथ वफादार रहें उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर अव्वल दर्जा दें और कोशिश करें कि होली स्पिरिट के साथ अपनी फेलोशिप को ज़्यादा जो है वो करें क्योंकि होली स्पिरिट जो है पाखरू जो है वो हमारा मददगार है वो हमें सिखाता है वो हमें भेद की बातें जो है वो बताता है वो हमारे जहन को खोल देता है और हमारे ईमान को मजबूत करता है ताकि हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर मजबूती के साथ जो है वो आगे बढ़ सकें और ख़ुदा का नाम हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए सो नाजेन आज भी हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत टीम जो है वो मौजूद हैं जो खुदावंद की खदमत कर रहे हैं खुदावंद ने जो फ़ज़ल उनकी ज़िंदगी के ऊपर किया है उस फ़ल को लेकर दूसरों के पास जो है वो जा रहे हैं ताकि हम इस फज़ल के अंदर दूसरों को भी शामिल करें क्योंकि खुदावंद यही चाहता है उसने हमें अरशाद अजम के अंदर ये सिखाया है कि हमें इस खुशखबरी को इस निजात के मैसेज को दूसरों तक जो है वो लेकर जाना है और कोशिश करनी है कि वो जो आग के अंदर है मुसीबत के अंदर है आगे बढ़कर उनको निकालें और ख़ुदा के फजल को उनकी जिंदगीों के ऊपर जो है वो ज़ाहिर करें ताकि खुदा का जलाल उनकी जिंदगी के अंदर भी इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए स्वाय नासीन हम अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं जो इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर तारक़ फ़जल साहब हम आपको खुश आमदीद कहते हैं सर आज के प्रोग्राम में गॉड ब्लेस यू सर और इसी तरह नाजरीन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदा उनके ख़ादम पास्ट अशरफ सराज साहब सो so, भाई साहब हम आपको भी वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम yeah. में गॉड ब्लेस यू और नाजरीन इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्ट काशिफ़ फ़जल साहब सो so, भाई साहब आपको भी ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहते हैं प्रेज द लॉर्ड और नाजरीन इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं मुबशर मकबूल मुग़ल सो मुबशर साहब हम आपको भी वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में प्रेज द लॉर्ड और यकीन नाजरीन आज के प्रोग्राम से भी जब ये खुदाम अपनी स्परिचुल लाइफ में से अपने तजर्बात में से उन बातों को आपके साथ शेयर करेंगे तो यकीन आप ख़ुदा उनके फ़जल और बरकत को जो है वह हासिल करेंगे आए अपने सिरों को झुकाते हैं और अपने प्रोग्राम को इब्तदाई दुआ से जो है वो हम शुरू करेंगे मैं दरख्वास्त करूँगा मुबशर मकबूल मुग़ल साहब से कि वो इब्ताई दुआ में रहनाई करें आपकी शुक्र गुज़ारी करते हैं आपकी तारीफ़ करते हैं क्योंकि जिंदा खुदावंद आप जो इज़्ज़त सतश और बुजुर्गी के लायक हैं मेरे मालिक आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए इस खूबसूरत संगा के लिए जो खुदावंद आपने हम सब की ज़िंदगी में खुदावंद नाजिल किया है कि हम मिल के खुदांद आपके कलाम की उन खूबसूरत बातों को खुदावंद सीख सकें और अपनी उन खुदावंद बातों को जो खुदांद आपने हमें पाखरू के वसीला से सिखाई हैं कि हम खुदा आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें खुदा नजीम राजा आपके बंदा के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदांद अपने बंदा को और ज़्यादा अपने जलाल के लिए अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल कर ताकि खुदावन वो हम सब को जो खुदावन लीड कर रहा है ताकि मालिक हम हमेशा आपके नाम को जलाल देने बन सकें शुरू से आपको वेलकम करते हैं और खुदा जितना भी वक्त आज हम गुजारें उस वक्त में खुदांद तो हमारे साथ होना हमें सिखाना और खुदावन चाहते हैं कि पाखरु हमें गाइड करे पाखरु हमें सिखाए तो खुदावन हम उसी तरह काम करें जैसे खुदावन आप चाहते हैं कि हमारी बॉडी से हमारी जिंदगी से खुदावन आपके नाम को जलाल मिले हम उस खिदमत को जो खदमत खुदावन आपने हमें दी है उस खदमत को बड़े असन ईमानदार तरीक़ा से करे बन सके ताकि खुदावन सारा जलाल आपके नाम को दें मसीु के नाम से हम बहुत शुक्रिया मुबेश बड़ी खूबसूरत दुआ आपने हमारे नाज्रन के साथ की नाजरन प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपसे फ़रमाया कि हमें पाक रू के साथ जो है वो फेलोशिप रखनी है और उसके साथ अपने आप को मजबूत तौर से जो है वो लेकर जाना है और पालस रसूल भी हमें गलतियों के ख़त के अंदर जो है वो हमें सिखाते हैं तो बड़ी खूबसूरत बात जो है वो वहाँ पर लिखते हैं चैप्टर फ़ाइव और सिक्सटीन के अंदर लिखा है इफ़ वी लिव इन स्पिरिट लेट अस आल्सो वॉक इन द स्पिरिट के अगर हम रू के सबब से ज़िंदा है तो रू के मुआफ़िक हमें चलना भी है और ये बहुत खूबसूरत बात है इफ़ वी डिक्लेयर अगर हम ये बात कहते हैं कि पाकरू हमारे अंदर है वो हमारे साथ है तो जब पाकरू हमारे अंदर है तो ये बहुत ज़रूरी है पा रसूल हमें कहता है कि हमारी स्पिरिचुअल वॉक जो है फिर फिर उसके मुताबिक जो है वो रूह हमारे अंदर नज़र आना चाहिए हमारी बातों से हमारे कामों से हमारे मेल मिलाप से हमारे उठने बैठने से हमारी शेयरिंग से जो भी मैटर्स आपकी लाइफ के अंदर है उसके अंदर पाकरू है, जो है वो हजूरी जो है वो जाहिर हो क्योंकि हम इसी से साबित करते हैं कि, कि खुदावंद हमारी ज़िंदगियों के अंदर है खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर है बहुत दफ़ा मसीही जो हैं वो इस बात को जो है वो जाहिर करते हैं कि पाखरू मेरे अंदर है मैंने पाखरू को जो है वो हासिल किया है जब पाखरू आपके अंदर आता है तो वो आपको टोटली चेंज कर देता है वो आपको तब्दील करता है और ज़रूरी है कि वो तब्दीली जो है वो दूसरों के सामने जाहिर हो जब तक वो तब्दीली दूसरों को आपकी ज़िंदगी के अंदर नजर नहीं आती आप अपने कहे के अंदर सही साबित जो है वो नहीं होते इसलिए जरूरी है पालस रसूल हमारे हमारे अंदर इस बात को इस पुख्तगी को लाना चाहता है जिस तरह वो ग्लेशियंस को ये ताकिद कर रहा है और उनको सिखा रहा है कि इफ़ वी लिव इन स्पिरिट कि अगर हम रू में रहते हैं अगर रू हमारे अंदर है दैन वी मस्ट वॉक इन स्पिरिट हमें फिर रूह के साथ चलना भी है हमें अपने आप को लेकर चलना है इसलिए जस्ट बातों से नहीं बल्कि अपने कामों से अपने करदार से इस बात को जाहिर करें कि खुदांद का रू आपकी ज़िंदगी के अंदर है और जब आप दूसरों को सामने इस तौर से जाहिर होंगे ना सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी के अंदर घराने के अंदर कलीसिया के अंदर खुदांद का नाम इज़्ज़त और जलाल पाएगा बल्कि दूसरे देखने वाले भी इससे मुतासिर होंगे और आपके बाप की जो आसमान पर है उसकी क्या करेंगे तमजीद करेंगे उसकी शुक्र करेंगे उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वह देंगे सोआ नास्रीन अभी हम चलते अपने मेहमानों की तरफ और सबसे पहले हम बात करेंगे खुदा उनके खादम पास्टर अशरफ सराज हमारे दरमियान मौजूद हैं हम चाहते हैं कि आप भी जो नाजरीन इस वक्त आपको फजल टेलीविजन के ऊपर देख रहे हैं जो भी पाखरू ने आपके दिल में बात डाली है वो उनके साथ शेयर करें पाखरू के तौलक से जो बात हो रही है मेरे जहन में तो बात यही है कि जिस तरह साहब ने अभी बताया है कि अगर आपके अंदर कोई चेंजिंग नजर नहीं आ रही तो ये समझें कि आपको पाकरू ने अभी टैच नहीं किया लेकिन जब आपके अंदर पाखरू है तो फिर पाखरू जैसी बातें निकलनी चाहिए जी। जैसे कि पलूस रसूल ने यह बताया है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसे मसीह यसू का भी था, था।, था।, था तो हमारा मिजाज है जो ये चेंज होना चाहिए मसीही लाइफ है जो ये चेंजिंग की है अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको देखे दुनिया आपको समझे कि ये मसीह के खादिम है या मसीह के लोक हैं तो फिर आपके अंदर से एक चेंजिंग नज़र आनी चाहिए खुदावन यसुम मसीह के जो बार शिर्द हैं जब खुदावन यसुम मसीह ने उनको मखसूस किया और उनको रसूलों का लकब दिया तो फिर वो जिस तरह खुदावन यसु मसीह के पीछे पीछे चलते रहे हमें भी चाहिए कि इसी तरह ही हम खुदा के खादिम जिस खादिम को आपने माना हुआ है हम उनकी सुने जितनी देर हम सुनते नहीं हैं तो इसी तरह फिर हम बरकत नहीं पाते क्योंकि क़लाम में ये बात लिखी हुई कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर अगर आप हुक्म मान जाएंगे तो आप रोहल को उसके मसे को ज़ाहर कर रहे हैं बस मैं यही कहना चाहता हूँ ब्रैज़िला बहुत शुक्रिया पास्टर सर आज और बड़ी ख़ूबसूरत और सादा बातों के अंदर नाजरीन ख़ुदा उनके खादम ने आपको इस बात को जो है वो ए, समझाया है कि हमें किस तरीके से अपनी स्परिचुल वॉक के अंदर जब हम खुदा उनके साथ चल रहे हैं तो हमें किस तरह से अपने आप को जाहिर करना है और बड़ी ख़ूबसूरत बात उन्होंने कही कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है ये हुक्म मानना ना सिर्फ ख़ादम का बल्कि आपके सुपीरियर जितने भी हैं आप सभी जब अपने आप को उनके सामने सबमिट करेंगे सरेंडर करेंगे सरेंडर करना कि आप उनकी ताब्यादारी के अंदर आ रहे हैं और अच्छा तालब इलम वही है जो अपने उस्ताद के सामने अपने आप को खाली करता है सरेंडर करता है उसके रुतबे को जो है वो अपने ऊपर जो है वो लेता है फिर आप नई नई बातों को जो है वो सीखते हैं इस बात को चाहे आप अपने ख़ानदान के अंदर अपने वाल के सरेंडर हो जाएँ बड़े भाई के सरेंडर हो जाएँ माँ के सरेंडर हो जाएँ बहन के सरेंडर हो जाएं अपने उस्ताद के सरेंडर हो जाएं अपने पास्टर के सरेंडर हो जाएं उनके कदमों में बैठ जाएं अपने आप को उनके सामने रख दें और सीखें उनसे जब आप दयानतदारी से उनके साथ चलेंगे तो पाकरू आपकी ज़िंदगी के अंदर काम करेगा और वो आपको अच्छी अच्छी बातें जो है वो सिखाएगा भेद की बातें जो है वो आपकी ज़िंदगी के अंदर खोलेगा और जब आप ताब्या को सीख जाएंगे खुदा का नाम आपकी ज़िंदगी के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाएगा और ये ताब्या हमने कहाँ से सीखी है ये ताब्या हमने यसुम मसीह से सीखी है क्योंकि वो अपने बाप का ताबेदार था जब वो टोटली तौर पर अपने बाप का ताब्या बन गया उसकी एक एक बात को जैसा बाप ने प्लान देकर उसको इस जमीन के ऊपर भेजा था उसने उसने अपने बाप से यही कहा बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो और जब हम अपने बड़ों की मर्जी को पूरा करते हैं उस प्लान को जो वो हमारे लिए सोचते हैं तो खुदा उनका नाम हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता है और ख़ुदांद हमें कसरत से बरकत जो है वो देता है सो so, नाजरीन अभी हम बातचीत करेंगे हमारे साथ मौजूद हैं खुदा उनके खादम पास्टर काशिफ़ फ़जल साहब सो so, भाई साहब हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक़ से और अपनी खिदमत के तल्ल से और जो भी बात पाकू ने अभी आपके दिल में डाली है जो नाजरीन इस वक्त आपको फजल टेलीविजन पर देख रहे हैं उनके साथ शेयर करें थैंक यू सो मच सर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा ताल्लुक तालुक़ चर्च से है और पास्टर तारिक फजल साहब मेरे रूहानी बाप हैं अभी पाखरू की बात हो रही थी तो मैं चाहता हूँ कि पाखरू के ताल्लुक से मैं बताऊँ कि किस तरह पाखरू ने मेरी ज़िंदगी चेंज की जी किस तरह पाखरू मुझे अपनी खिदमत में लेके आया खुदावंद की खिदमत में लेके आया मैं अपने बी ए के बाद मैं जॉब्स के लिए काफ़ी परेशान था मैंने बहुत सी जगहों पर सीवीज दी एप्लीकेशन दी जी लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही थी मैं बड़ा परेशान और एक दिन फैसलाबाद में खुदा के खातर में पास्टर कलीम साहब उनसे मैंने बात की मैंने उन्हें फ़ोन किया भाई साहब मेरे लिए दुआ करें मुझे अच्छी सी जॉब मिल जाए उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपने कभी खुदा से पूछा कि खुदा चाहता है आप जॉब करें कि ना करें यह बात मुझे नहीं लगी पहले कभी ऐसी बात किसी ने मुझसे की नहीं उस रात जब मैं सोने लगा तो मैंने दुआ की खुदामद बता मैं क्या करूँ और पाखरू ने जब मैं सो गया एक जैसे पूरी फिल्म दिखा रहा है मुझे पाखरू कि मैं कन्वेन्शनों में कलाम सुना रहा हूँ नौजवानों के साथ खिदमत कर रहा हूँ ये सारी खिदमत की चीज़ें पाखरू मुझे रात को दिखा रहा है जी। मैंने उठ के खुदावंद का शुक्र किया और मैं फ्रेश होकर जब बाहर निकला और उस इस, इस खिदमत की कन्फर्मेशन के लिए खुदावंद ने दो नौजवान भाई मेरे दोस्त थे उनको मेरे पास भेजा मैं बाहर गया हूँ घर से बाहर निकला हूँ और वो भाई आए हैं मेरे पास उन्होंने मुझे कहा कि काशी भाई इस एरिया में आप पढ़े लिखे हैं तो क्यों ना हम कुछ ऐसा काम शुरू करें ये जो नौजवान इधर उधर बैठे रहते हैं हम इनके साथ कुछ मीटिंग करें दुआ का कोई प्रोग्राम रखें ताकि ये चेंज हो जाए और मैंने खुदावन का शुक्र किया खुदावन रात को तो मुझे दिखा रहा है कि तू कन्वेंशनों में कलाम सुना रहा है नौजवानों के साथ खिदमत का काम कर रहा है और सुबह उसकी कन्फर्मेशन उन दो भाइयों के ज़रिए से खुदा ने की कि हाँ मैंने तुझे अपनी खिदमत के लिए बुलाया तो है खुदाम का शुक्र है कि खुदा के पाखरु ने उस दिन मुझे दिखाया और मेरी जिंदगी तब्दील हुई फिर मैंने उसके बाद किसी जगह पे जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया फिर उस वक्त से आज तकरीबन बारह साल हो गए खुदामद की खिदमत कर रहे हैं फैसल साहब के साथ ग्रेस चर्च में अपर मॉल पे तकरीबन दस साल से खिदमत कर रहे हैं और ये सुमसी के नाम को जलाल है खुदावंद ने जो दिखाया उस रात वो सारी बातें खुदा ने मेरी ज़िंदगी में पूरी की हैं और खुदा उनकी खिदमत का काम कर रहा हूँ रईज़िला बहुत शुक्रिया पास्ट काशिफ और बड़ी खूबसूरत टस्टमनी जो है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में से आपके साथ शेयर की और हम इसी बात के ऊपर जो थे वो डिस्कस कर रहे थे कि हमें पाखरू की रहनुमाई के अंदर जो है वो चलना है अपने आप को उसके सामने जो है वो सरेंडर करना है और जैसे ही खुदा उनके खादम ने पहले वो अपने प्लान के साथ अपनी सोच के साथ चल रहे थे लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने आप को पाकरू के ताबे किया सरेंडर किया और उससे रहनुमाई को चाहा तो पाकरू ने अपने प्लान को उनके ऊपर जो है वो ज़ाहिर किया और मेरे मेरेजीज़ों आप भी अगर इस तरह की जस्तजु के अंदर हैं काविश के अंदर हैं पहले पाकरू के साथ सलाह मशवरा करें खुदांद के कलाम की रहनुमाई को अपनी ज़िंदगी के अंदर लें और खुदावन से पूछें कि खुदावन तू क्या चाहता है मेरी ज़िंदगी के अंदर क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो खुदावन के मनसूबा के बग़ैर ही इस ज़मीन के ऊपर आ गया हो हम में से हर एक एक खास मकसद के लिए जो है वो बनाया गया है तख्लीक किया गया है और हमें उस मकसद को देखना है जांचना है परखना है और फिर पाकरू से पूछना है कि मेरी ज़िंदगी के अंदर खुदावंद का क्या मनसूबा है क्या प्लान है और जैसे ही आप अपने आप को उसके सामने रखेंगे उससे पूछेंगे खुदावंद आपके सामने उस बात को रवील करेगा कि उसने क्यों आपको इस ज़मीन के ऊपर भेजा है और फिर जब आप उस प्लान के मुताबिक अपने आप को लेकर चलेंगे आपको मेहनत करने की आपको जस्तजू करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके लिए जो है वो तैयार हैं और आपको सिर्फ स्टेप इन करना है उन चीज़ों के लिए और खुदांद अपने फजल को आपकी ज़िंदगी के अंदर ज़ाहिर करेगा और अपने नाम को इज़्ज़त और जलाल आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वह देगा सो नाजरीन अभी हम बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हैं मुबशर मकबूल मुगल साहब सो मुबर साहब हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक से और अपनी खिदमत के तल्ल से और जो बात पाखरू ने आपके दिल में डाली है वो हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें जरूर सर सर मुझे ना खिदमत से थोड़ी सी एलर्जिक थी जी नफ़रत नहीं जैसे होती जी जी। ऐसे थी तो जॉब के लिए दुबई गया वहाँ पे दस हजार लोगों में अकेला ही क्रिश्चन था एक जहर दुआ कर दी नहीं थी आती जी वो अपनी दुआ के लिए जातेर कॉम के थे तो उस वजह से न मुझे दिल में आती थी कि मुझे भी खुदावन अपनी दवा नहीं चाहिए फिर वहाँ थोड़े थोड़े लफ्ज़ बोलना शुरू हो गया जी चर्च में गया चर्च में जाके पास्टर साहब से पास्टर बरकत साहब हैं वेद बरकत साहब हैं उनसे बदतस्मा लिया जैसे ही बदतस्मा लिया आप यकीन बिलीव करें कि उसी रात मुझे खुदावन ने वाखरु दे दी प्रेज द लॉर्ड जैसे ही पाकरु मिली मैंने नौकरी छोड़ी और पाकिस्तान में आ गया उसी महीने पाकिस्तान में आ गया तो खिदमत शुरू कर दी बेंजलिस पाश्ता साहब के साथ हैं तो पाश्चा साहब के साथ खिदमत करते हैं आउटसाइड भी जाते हैं घरों में भी जाते हैं खुदा ने एक खिदमत ऐसी दी है दुआ करने की तोड़ा दिया है बद्रोहों के लिए बीमारों के लिए वो दुआ करते हैं खुदा उनका शुक्र है कि खुदा अपने नाम के लिए इस्तेमाल करता है आमीन आज ख़ास तौर पर उन भाइयों के लिए बड़ी माफ़ी के साथ यह बात कहूँगा कि जब हम किसी के घर में भी जाते हैं कलिसिया के घर में जाते हैं जब वो हमसे बात करते हैं ना तो पहले हमें उनकी सुननी चाहिए कभी कभार हम उनकी बातों को आधी को टोक तो, देते हैं सुनते नहीं हैं उनके दिल की बात जो होती है ना वो हम तक पहुंचाते नहीं क्योंकि जब खादम किसी के घर में जाता है ना तो वो समझते हैं कि खुदा का खादम आया खुदा ही हमारे घर में आ गया है जब हम उनकी बातों को सुनेंगे उसके बाद हम जब उसे जवाब देंगे ना तो फिर यकीन माने वो बरकत भी पाएंगे और जो बात हम उन्हें समझाना चाहेंगे ना वो सीखेंगे भी ये ये। बहुत शुक्रिया मुबशर साहब और बड़ी खूबसूरत बातें आपने भी हमारे नाज़रीन के साथ जो है वो शेयर की हैं और ये बड़ी जो है वो खूबसूरत बात आपने कही कि हमें हमेशा लोगों की बात को जो है वो सुनना है प्रॉपर तरीके से पूरी बात को सुनकर उनके दिल की बात जो वो आपके साथ करना चाहते हैं क्योंकि जब तक वो अपने आप को पूरे तौर पर आपके साथ आ, ओपन नहीं करते खोलते नहीं हैं हम उनको समझ नहीं सकते और ये फेलोशिप का असूल है जब हम किसी के साथ फेलोशिप करते हैं हमें एक दूसरे के साथ ओपन होना है एक दूसरे के दर्द को जानना है बात को सुनना है और जब हम मुकम्मल बात को सुनकर फिर कलाम में से उनकी रहनुमाई करेंगे तो वो इस बात को ज़्यादा जो है वो समझेंगे अंडरस्टैंड करेंगे और ईमान में भी मजबूत होंगे और ख़ुदा उनका नाम उनकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा सो आए नाजरीन अभी वक्त हुआ है हम सुनते हैं खूबसूरत गीत ए पाकरो जिसे जेनेट और जोनतन ने गाया है आए इस खूबसूरत प्रस्तिश को सुनें प्रेज द लॉर्ड दलोड नाजरीन अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसे जैनट और जोनाथन आपके सामने गा रहे थे ए पाकरू मेरी रूह को छू यकी जब पाकरू हमें छूता है तो वो हमारे अंदर एक तब्दीली को लेकर आता है वो हमें नया कर देता है और हमें ज़ोर और कुत और बरक़त से भर देता है इसलिए हमेशा अपने अंदर इस डिज़ायर को इस ख्वाहिश को रखें कि पाखरू आपकी ज़िंदगी के अंदर इस तौर से काम करे कि जब भी वो आपको छुए कुछ नया आप की जिंदगी के अंदर रूनमा हो और खुदा उनका नाम आपकी ज़िंदगी के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए सो so, नाजरीन अभी वक्त हुआ चाहता है हम लेते हैं एक शॉट ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और गुफ्तगू -गु का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा प्रेस द Lord, हाल Welcome वेलकम बैक break ब्रेक के बाद हम आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहते हैं और ख़ुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रोग्राम के लिए जिसके वसीला से आप खुदा के फजल और उसकी बरकत को अपनी जिंदगी के अंदर जब वो हासिल कर रहे हैं मैं खास तौर पर उन व्यूवर्स को वेलकम करता हूँ जिन्होंने अभी हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है ब्रेक के से पहले हम बड़ी खूबसूरत बातें आज के मेहमानों के साथ कर रहे थे और पाखरू के तल्लुक से अपने ख्याल का इजहार कर रहे थे कि पाखरू किस तरह से हमारी जिंदगी के अंदर ज़ाहिर होता है और जब हम अपने आप को उसके सामने सरेंडर करते हैं खाली करते हैं तो वो हमें भरता है हमें न्याय करता है हमें जोर और कुत से भर देता है और पालस रसूल की इस बात के ऊपर जो थे हम सोच रहे थे कि अगर पाखरू हमारी जिंदगी के अंदर है तो फिर हमें पाखरू के मुआफिक जो है वो चलना भी है अपने आप को लेकर भी चलना है और हमारी स्परिचुअल वॉक जो है वह इस तौर से हो कि खुदामंद हमारी जिंदगी के अंदर इज्जत और जलाल जो है वो पाए और खुदांद हमें हमेशा अपने फ़जल के अंदर रखे क्योंकि जब हम उसके फजल के अंदर रहते हैं तो हम उसके कलाम की बातों को जानते हैं उसकी बरकतों को हासिल करते हैं और उसका नाम हमारी जिंदगी के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता है सो so, आए नाजरन अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खुदांद के जिंदा कलाम में से हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो में खुदा उनके खादम पास्टर तारिक फजल साहब सो so, सोपाई साहब हम चाहते हैं कि जो नाजरन इस वक्त आपको फ़जल टेलीविजन के ऊपर देख रहे हैं जो भी ने आपके दिल में डाल है, उनके साथ शेयर करें थैंक यू पास्टर विल्सन। के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप साहब बहनों भाइयों बेटियों बेटों को सलाम। इससे पहले कि हम खुदा उनके पाकलाम की तरफ बढ़े मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पास्टर खुदा के खादम पास्टर विल्सन साहब का पास्टर इमरान फज़ल सिस्टर महविश का और उनकी सारी टीम का जो ये प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं ताकि खुदा के कलाम को मुल्क के तलो अर्ज तक और आ, बाहर के ममालिक में भी जो है वो पहुँचाया जा सके सो थैंक यू सो वेरी मच गॉड ब्लेस यू खुदांदा आपको बरकत आए खुदा के पाक कलाम में से आज हम अपनी तरक्की के लिए जो है वो सीखेंगे आज आ, हम हर इंसान को हर शख्स को जब हम देखते हैं तो उसके अंदर एक एक तड़प है कि हम किस तरह कामयाब जिंदगी जो है वो गुजारें हम क्या ऐसा करें कि हमारी ज़िंदगी में जो है वो कामयाबी और सरफराजी जो है वो आए और मैं हमेशा खुदा के पाक कलाम की बात करता हूँ कि खुदा का पाक कलाम जो है ये मेरे और आपके लिए एक मैनुअल का, का काम करता है जिसमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें मैं समझता हूँ मेरे ख्याल में मेरी आ, समझ में ये मैनुअल जो है ये आपके डूज और डोंट्स का मैनुअल है कि आप ये करें और आप ये ना करें आप ये करेंगे तो इससे आपको बरकत मिलेगी आप ये नहीं करेंगे तो इससे भी आपको बरकत मिलेगी सो so, आ, 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 मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ कामयाबी के ताल्लुक़ से कि खुदा का कलाम में क्या फरमाता है कि हम किस तरह कामयाब जिंदगी जो है वो गुजार सकते हैं मेरे साथ निकालिएगा इमसाल की किताब उसका अट्ठाईस बाब और उसकी आ, उसकी तेरह आयत इमसाल अट्ठाईस बाब और उसकी तेरह आयत खुदा के पाक क़लाम में लिखा है जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर खुदा की रहमत होगी उस पर रहमत होगी खुदावंद अपने पागला में खूब खूबसूरत इंस्ट्रक्शंस जो है वो हमारे लिए देता है कि जो अपने गुनाहों को छुपाता है खुदावंद अपने पाकला में फरमाते हैं और जबूरदवीस दाऊद कहता है खुदाया तेरी रूह से मैं भाग के किधर जाऊँगा हम खुदा से छुप नहीं सकते ना ही हमारे अमल ना ही हमारे मुंह से निकले हुए अल्फाज ना ही हमारे सारे काम जो हैं किसी तौर पर भी खुदा से छुप सकते हैं खुदावंद अपने पाक कलाम में फरमाते हैं कि उसकी निगाहें जो हैं हर वक्त हमारे ऊपर रहती हैं और खुदावंद अपने पाक कलाम में फरमाते हैं जो कोई अपने गुनाहों को छुपाता है कि हम ये कहें कि वी आर लिविंग ए होली लाइफ हम और हमारी जिंदगी जो है वो उसके बाद रख सो तो खुदा सब कुछ देख रहा है खुदा सब कुछ देखता है हम ये नहीं कह सकते कि हम अपने गुनाहों को छुपाते रहें और हम ये भी कहते रहें कि तू मुझे बरकत दे हम गुनाह में भी जिंदगी गुजारें और हम ये भी खुदा से कहें खुदा तू मुझे बरकत दे मैं कलाम मुकद्दस में आपके सामने दो दो रेफरेंस रखना चाहता हूँ एक ऐसे लोगों के दो रेफरेंस कि जिन्होंने गुनाह तो किया लेकिन उन्होंने गुनाह का छुपाया नहीं गुनाह को खुदा के सामने करार किया और फिर किस तरह खुदा ने उनकी ज़िंदगी अप्स एंड डाउन की उनकी ज़िंदगी चेंज हुई खुदा की बरकतें उनकी ज़िंदगी में आई और उन्होंने सरफराज ज़िंदगी गुजारी लेकिन ऑन द अदर हैंड दो ऐसे रेफरेंस मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जहाँ पर खुदा के लोगों ने लोगों ने गुनाह किया लेकिन खुदा से छुपाया और खुदा ने खुदा से अपने गुनाह को छुपाने की वजह से इकरार ना करने की वजह से उसे तर्क ना करने की वजह से वो उन्होंने जो है वो कामयाब जिंदगी नहीं गुजारी बल्कि नाकाम रहे हैं उनकी ज़िंदगी में किस तरह लानत तो उनका पीछा करती रही है सबसे पहले दूसरे सेम्बल और उसके ग्यारह बाब में हमें एक खूबसूरत किरदार मिलता है जिसका नाम है दाऊद जिसका नाम है दाऊद मैं उसके पूरे उस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि वो किस तरह जो है वो उस गुनाह में घिर गया बेशक वो एक खुदा का चुनिंदा था लेकिन वो गुनाह में गिर गया जब वो गुनाह में गिर गया जो बेत के साथ उसका गुनाह जो है वो बाइबल मुकदस में रिकॉर्ड है लेकिन जब वो उस गुनाह में गिर गया तो खुदा के कलाम में लिखा है कि नबी जो है उसके पास आता है ना तो नबी उसके पास आता है और उसको एक कहानी सुनाता है और उस कहानी में जब वो सुनाता है कि एक शख्स के पास जो है वो भेड़े थी खूब थी भेड़े एक शख्स के पास छोटी सी एक भेड़ थी लेकिन उस शख्स के पास जिसके पास ज्यादा थी उसने उस शख्स से वो एक जिसके पास थी वो भी उससे ले ली और दाऊद इस बात को सुनकर बड़ा दिल मिलाया वो बड़ा गुस्से में आ गया और उससे कहने लगा कौन है वो शख्स और नैतन जो है उसका गुनाह उसके ऊपर जाहिर करता है कि तू ही है वो शख्स तू ही है वो शख्स तूने उस शख्स की औरत को जो है वो अपने लिए ले लिया और दाऊद जो है उस वक्त जब उसको पता चलता है कि खुदा ने मेरा ही गुना मेरे ऊपर आकर रिवील किया है तो वो खुदा के कलाम को जो है वो ज़बूर जबूर कामन जो है वो लिखता है और कहता है अ खुदा अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे उसने खुदा के आगे अपने गुनाह को छुपाया नहीं नबी को यह नहीं कहा कि नहीं 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 मैंने तो कुछ नहीं किया बल्कि उसने उसने वॉलेंटियरली खुदा के सामने तोबा उसने अपने आप को अपने आप की तोबा की उसने अपने गुनाह को छुपाया नहीं उसने कहा खुदा मुझ पर रहम कर और जब खुदा का रहम जो है उस पर हो गया हमें जबूर बत्तीस में मिलता है दाऊद कहता है मुबारक है वो शख्स जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह जो है वो डांपा गया मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकरदारी को खुदा हसाब में नहीं लेके आता खुदा ने उसको मुआफ किया और फिर हम देखते हैं कि किस तरह खुदा ने उसकी जिंदगी को फ्लोरिश किया खुदा उसने कामयाबियां समेटी खुदा ने उसकी जिंदगी को जो है वो सरफराज किया उसने अपने गुनाह को नहीं छुपाया उसने तोबा की उसने उसको तर्क किया और फिर कामयाब ज़िंदगी जो है वो गुजारी है इसी तरह एक और हवाला एक और हवाला युना के तालुक से हम देखते हैं कि पूरा शहर जो है वो बदकारी की जिंदगी गुजार रहा है और जब नबी जो है वो वहाँ पे आता है और आकर उनका गुनाह उनके ऊपर रिवील करता है तो खुदा के कला में लिखा है कि सारे शहर ने पूरे मुल्क ने जो है वो रोज़ा रखा टाटोड़ा और अपने सरों पर खाक डाली यहाँ तक कि जानवर भी जो हैं जानवर भी जो है वो उनको रोजा रखवाया गया ये किस चीज की अलामत है ये उनकी रिपेंटेंस की अलामत है ये उनकी उनकी तोबा की निशानदेही करता है कि वो लोग जो हैं वो अपने उस गुनाह से पीछे हट गए उन्होंने उन्होंने इस गुनाह की जिंदगी को दोबारा नहीं चलने दिया बल्कि उसको जो है वो खत्म किया और फिर खुदा के कलाम में मिलता है कि खुदा ने उन्हें मुआफ़ किया जो अपने गुनाह को छुपाता है वो कामयाब नहीं होगा लेकिन हमें बाइबल में ऐसे ही वाले मिलते हैं पैदाइश की किताब में मिलता है तीसरे बाब में कि आदम और हवा ने गुनाह तो किया लेकिन उसको फिर छुपाया जब खुदा आता है आके पूछता है एडम एडम वेर आर यू तो आदम के बारे में आदम के बारे में लिखा है कि आदम ने खुदा से अपने आप को छुपाया उसने उस गुनाह को छुपाया जो वो अब सरज कर चुके थे इसी तरह अमाल की किताब के पांचवे बाब में हमें मिलता है हननिया और सफी के बारे में कि जो प्रॉपर्टी बेचते हैं गुनाह करते हैं छुपा लेते हैं और नबी के आके कुछ हिस्सा उसके गर्दों में रखते हैं और जब नबी पूछता है इतने कोई बेची है तो वो कहते हैं यस इतने कोई बेची है नबी कहता है जो पत्रस है वो उनसे कहता है तुमने क्यों पाकरू से झूठ बोला क्यों पाकरू से झूठ बोला उन्होंने उन्होंने अपने गुनाह को कबूल नहीं किया और लिखा है खुदा के कलाम में उसी वक्त उनका दम जो है वो निकल गया औरत का भी और मर्द का भी मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ हमारे गुनाह हमारे गुनाह जो हैं हमें कामयाब जिंदगी की तरफ जाने से रोक देते हैं थिख खुदा के कलाम में आखिरी आयत जो है मैं तो आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ आखिरी आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ गिसाया की किताब उसका उनसठ बाब और उसकी दो आयत खुदा के कलाम में लिखा है बल्कि तुम्हारी बदकरदारी ने तुम्हारे और खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूह पोश कर दिया है ऐसा कि वो नहीं सुनता बहनों भाइयों मैं आपको इनक्रेज करना चाहता हूँ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे गुनाह हमारे और खुदा के दरमियान एक दीवार खड़ी कर देते हैं जो खुदा हमारी दुआओं पर जो है वो कान नहीं लगाता आइए इन गुनाहों से खुदा के हजूर तोबा करें इनको छुपाए नहीं खुदा से खुदा से नहीं छुपाए खुदा से हम किसी चीज को नहीं छुपा सकते करें, तर्क करें और याद रखें खुदा खुदा अपने वादों में सच्चा है है अगर वो कहता है कि हम कामयाब जिंदगी गुजारेंगे तो खुदा में हम जरूर ही कामयाब जिंदगी गुजारेंगे खुदा बरकत दे और आपको सलामत रखे थैंक यू सो मच प्रेज़ द लॉर्ड बहुत शुक्रिया पाई साहब और बड़ा खूबसूरत कलाम आपने हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर किया और यकीन नाजिन खुदा उनके कलाम में लिखा है कि वो अपने कलाम को नाजिल फ़रमाता और हमें शिफा बख्शता है और जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं वो यकीन हमारी ज़िंदियों के अंदर तब्दीली को लेकर आता है क्योंकि उसका कलाम कभी भी बेतासीर नहीं लौटता वो हमारी ज़िंदगी के अंदर डिवेलपमेंट को लेकर आता है और फ़ज़ल को बरकत को हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो ज़ाहिर करता है और यकीन आज के कलाम से भी आपने बरकत को हासिल किया और जब आप ईमान से इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर लेंगे और जो खुदा उनके खादिम ने आप तक पहुंचाया है अपने गुनाह को छुपाने की बजाय बल्कि खुदा उनके सामने इकरार करेंगे जब आप इकरार करेंगे तो खुदांद अपने फजल को आपकी जिंदगी के ऊपर जाहिर करेगा और आप बरकत को सरफराजी और कामयाबी को जो है वो हासिल करेंगे सो नाजरीन अभी वक्त हुआ चाहता है हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं और इस वक्त मैं आपके सामने एक बड़ी स्पेशल प्रेयर को लेकर आ रहा हूँ जिसे खुदा उनके खादम पास्टर इमरान फजल और सिस्टर महविश इमरान ने अभी हालिया ही जो हमारा क्रूसेड उकाड़ा के अंदर हुआ है वहाँ पर किया और इस दुआ के वसीला से बड़े मोजात वहां पर रूनमा हुए लोगों ने बरकत को हासिल किया तब्दीली उनकी जिंदगी के अंदर जो है वो जाहिर हुई तो हम उस सेम को अभी आपके सामने एक बार फिर लेकर आ रहे हैं और अगर आप ईमान के साथ इस दुआ को अपनी जिंदगी के अंदर लेंगे तो यकीन जो कुछ इस क्रूसेट के अंदर हुआ अभी इसी वक्त आपकी जिंदगी के अंदर भी रूनमा होगा और खुदा उनका नाम आपकी जिंदगी के अंदर इज्जत और जलाल जो है वह पाएगा आए अपने सिरों को झुकाएं और ईमान के साथ इस दुआ को देखें और सुनें और कबूल करें ताकि खुदाوند अपने फजल को आपकी जिंदगियों के ऊपर जाहिर करें हालेलुया थैंक यू जीसस अब एक लम्हा के लिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग अपनी जगह पर खड़े हों अगर आप बीमारी के अंदर हैं मुश्किल के अंदर हैं आपके पास कारोबार नहीं अबलीस ने आपके खानदान को जकड़ा है चल नहीं सकते और आप खुद आकर बताएंगे कि खुदा ने आपकी जिंदगी के अंदर जलाली काम किया है, कितने लोगों, का है? तो कितने लोगों का ईमान है अगर आप ईमान रखते हैं तो हाथों को उठाकर बताइए कितने लोगों का ईमान है थैंक यू जीसस प्रेज़ द लॉर्ड अपने दोनों हाथों को उठा लीजिए लेट्स रेज बोथ ऑफ योर हैंड्स टुवर्ड हेवन एवरीवन लेट्स रेज योर हैंड्स टुवर्ड्स हेवन

Everybody, raise your hand fully towards heaven. Raise your hands fully towards heaven. Today, the men and women of God is not present in this place. Today, the Holy Spirit is present. Fully raise your hands towards heaven. Oh, those who are standing on the streets and on the buses. Raise your hands and close your eyes. Hallelujah. Fully on oh, lift your Hands. 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 Lift up your faces towards heaven. Lift कुछे. your faces towards heaven. Because after some time, के अंदर महसूस करेंगे के खुदा किस तरह काम करने की जो ये बात खुदा के सामने मानी नहीं रखती इन फ्रंट ऑफ गॉड क्या

कहिए oh, हाथों hello, को उठाइए और कहिए खुदा मैं आज अपने हाथों को तुझे देता महान करना शुरू कीजिए बाप खुदेटे खुदारोल कुछ God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Today we come into your presence together with all the men and women of God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. These beloved sons These beloved daughters We hide them in your precious blood All kind of sickness and disease All kind of curses All kind of tumors All all kind of baby All kind of fibroids. Be gone, of Be gone in the mighty name of Jesus. Be gone in the mighty name of Jesus. Those who could not see. Those who could not walk right now. So I command to be open in the mighty name of Jesus. in the mighty name of Jesus to be open. Those who could not walk. up and walk in the name of Jesus. Rise up and walk in the name of Jesus. The Holy Spirit is showing me right now. There are so many married couples in this place. They are barren. They do not have children. Believe. Have faith on God. Have faith god is gonna open your womb tonight tonight in the name of jesus we bless this spirit. couple

Next time they will receive a baby boy. So that your name will get the glory, Lord. Lord, those who have stretched out their hands towards you, ले ले। right now touch their hands. Lord. Look at their faces. How <inaudible> about look at their faces and bless them, Lord? <inaudible> Tonight, in the mighty name of Jesus, Lord, we release financial breakthrough in this place. God, we release financial blessings <inaudible> so that we will decrease. And you will increase so that we give glory to your Son. चर्चेस के लिए हैं। लॉर्ड, वी प्लस ऑल द चर्चेस इन सिटी एंड द सराउंडिंग एरिया प्लस एंड दंग्रीगेशन के लिए थोड़ा आरबी प्लस आर कंट्री पाकिस्तान तु पाकिस्तान को ताकि ये कोरोना वायरस की बीमारी एंड दिस को तुए के छू और everyone. बड़ी बरकत है अपने घरों को जाएं सो so तो बीमारी को यहाँ पर छोड़कर छोड़ जाएं. They will leave the in this place. अब प्लीज को इसी जगह आरोप क्यूँकी खुद रही Because you have given us authority to trample the Satan and the snake. खुद आज की इबादत का हम सारा जलाल we give all the glory to your son, तेरे बेटे यीशु के नाम to your son, Jesus. और जितने खुदाम ने इस प्रोग्राम के लिए काम किया फॉर खुदाम देख उनकी ब्लस तू ने ब्लेस कर और बड़ी बरकत दे। मसीह के नाम में इन माडी मस्सी के नाम में In the mighty name of Jesus. Amen. प्रेज द लॉर्ड हाल नाजरीन अभी आप इस दुआ को देख रहे थे जिसमें खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल और सिस्टर महविश आप सबों के लिए खुदा की हजूरी से शिफायत कर रही थी और अभी आपने देखा कि वो हर तरह की डजीज़ को हर तरह की प्रॉब्लम को हर तरह की इन्फॉर्मिटी को आपकी ज़िंदगी में से कैंसिल कर रहे थे और ख़ुआ के फ़जल को आपकी ज़िंदियों के ऊपर जो थे वो ज़ाहिर कर रहे थे आप ईमान से इस दुआ को अपनी ज़िंदगी के अंदर लें और ख़ुदा का फ़जल आपकी ज़िंदगी के ऊपर जो है वो काम करेगा नाजरीन अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है हम आपसे इजाज़त चाहेंगे सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया करूँगा पास्टर तारिक फ़जल साहब आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए इसी तरह पास्टर अशरफ सराज साहब आपका भी शुक्रिया और पास्टर काशिफ फजल साहब आपका भी शुक्रिया और मुबशर मकबूल मुग़ल साहब आपका भी शुक्रिया ये। कि ये। आप सभी इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए और बड़ी खूबसूरत बातों से आपने हमारे नाजरन को जो है वो बरकत जो है वो दी है नाजरीन आप भी अपना ख्याल रखिएगा और हम फिर आपकी खदमत में हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ नए मेहमान मानों के साथ तब तक देखते रहेगा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद